मध्य प्रदेश सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है, जिसके चलते पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। खनिज मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई हैं। मंत्री प्रदीप जायसवाल एवं विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे ने पत्रकारों से चर्चा कर मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि यहाँ बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलना है, मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। बालाघाट नगर में यहाँ ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा, तो वहीं बालाघाट क्षेत्र में तमाम विकास की जो बातें हैं वह साझा की गई। उसमें सबसे बड़ी बात है किसानों का जो ऋण माफी है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, लेकिन चूंकि मध्यप्रदेश सरकार का कहना आप सभी को मालूम है, जब सरकार बनी तो जहाँ 2003 में 35,000 करोड़ का कर्जा था मध्यप्रदेश सरकार का, जब विजय सिंह जी की सरकार 2003 में गई उस समय 35,000 करोड़ का कर्जा था, और 2018 में जब भाजपा की सरकार गई तो आज 2,35,000 करोड़ का है। इस तरह से जो 15 साल में जो कुछ हुआ और जिसके चलते आज जब किसानों को ऋण माफी की बात आई उसको 2 चरणों में किया गया। किसी कमजोर संगठन ने, कांग्रेस के इसी कमजोर संगठन में हमारे 3-6 में से 3 कांग्रेस के विधायक जीत कराए। पिछली बार ऐसा है और जो हमको अपेक्षा है कांग्रेस संगठन से जो गलतियां हुई उसी का प्रतिफल है कि वाराणसी में जो कांग्रेस इनडायरेक्ट जीत कर आई है, तो ये सब उसी कमजोर संगठन का नतीजा है।